الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتا جمعوں میں سورہ یوسف اور اس سورت سے ہونے والے سبق اور حکمتوں کو عبرتوں کو بیان کیا گیا سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص کہا اور اس سورت کو کہ جس کی تلاوتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اسے سورۃ القصص کا نام دیا گیا قصص قصے کی جمع ہے قصہ کہانی کو بولتے ہیں واقعے کو بولتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن جب بھی کوئی قصہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس واقعے سے ملنے والا جو سبق ہوتا ہے قرآن در حقیقت وہ بیان کرتا ہے اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بھی سورتوں کے اندر ہے سورہ کہف کے اندر ہے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے لیکن اس سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس لیے اس سورت کو سورہ موسیٰ بھی کہا جاتا ہے یہ سورت ہجرت کے دوران یہ سورت نازل ہوئی اور سیرت کے درس میں جو حضرات اتوار کے دن آتے ہیں تو ہجرت کے سفر کا قصہ بھی آئے گا کہ ہجرت کا حکم اللہ نے کیوں دیا بڑے مشکلات سے جب مسلمان دوچار ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کے سفر کے دوران یہ سورت نازل کی تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے اور یہ بات بھی بیان کی کہ یہ
जो तकालीफ है, ये जो आजमाइशें, सिर्फ आप पर नहीं आई बल्कि आपसे पहले जितने जलीलुल कदर अंबिया गुजरे हैं उन सब पर ये तकालीफ और आजमाइशें आई हैं। तो अल्लाह ने बयान किया, तौसीम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। ये तौसीम मीम ये हुरूफ मुकत्तआत में कहलाता है। इसके माने अल्लाह को ही मालूम है, इसके माने अल्लाह ही को मालूम। बाज़ उलमा कहते हैं कि इसके कुछ ता से मुराद जो है वो अलग है, सीन से मुराद अलग है, मीम से मुराद अलग है। मुख्तलिफ़ उलमा की राय है, लेकिन इस बारे में जो बेहतरीन राय है वो यही है कि अल्लाहु अलमु बि मुरादी बिदालिक। फरमाया कि नतलू अलैक मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक लिकौमी युमिनून। हम आपके सामने मूसा और फिरऔन की बात को रखते हैं जो सच्ची बात है उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह पर ईमान लाने वाली कौम है। إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم। फिरौन ने एक ख्वाब देखा, ख्वाब भी क्या देखा कि ख्वाब में देखता है कि शाम और फलस्तीन से एक आग आ रही है और वो आग मिस्र के तमाम शहरों को जला रही है। फिरौन ने अपने वज़रा को जमा किया, फिरौन ने अपने उमरा को जमा किया, साहिरों को जमा किया, काहिनों को जमा किया और उनके सामने अपने ख्वाब को बयान करने लगा। काहिनों ने इस ख्वाब की ताबीर यूँ बयान की कि शाम और फलस्तीन से एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को ख़त्म करेगा, जो आपकी हुकूमत को ख़त्म करेगा और आपकी हुकूमत को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर हुकूमत करने वाला बनेगा। तो फिरौन ने फौरन कहा, अच्छा ऐसा कोई होगा, क्योंकि फिरौन तकब्बुर में और गुरूर के अंदर इंतहा को पहुँचा हुआ था, यहाँ तक पहुँचा हुआ था कि कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तो तुम सब का रब हूँ। यहाँ तक पहुँचा हुआ था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तो तुम्हारा रब हूँ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र में आए थे तो मैंने बताया था कि फिर इसराइली बढ़ना शुरू हो गए मिस्र में और इसराइलियों की बड़ी तादाद मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आ गई, लाखों में आ गए। और फिरौन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था उसे क़िब्ती कबीला कहा जाता था। तो फिरौन ने इसराइली जो ख़ानदान के लोग थे इन्हें ग़ुलाम रखा हुआ था और इसके जो नीचे के लोग थे वो भी इन लोगों को अपना ग़ुलाम समझते थे। जिसके जी में जिसके बस में जो आता था वो ज़ुल्म की इंतहा को पहुँच जाता था। ज़ाहिर है उन्हें पता था हमारा बादशाह भी ऐसा है और बादशाह की चाहत भी है कि इस कौम को जो है वो जितना दबा सकते हो दबाओ। और यही चीज़ अंग्रेज़ों ने की। अंग्रेज़ जब आपके इस बर्र सगीर में आए तो उन्होंने दो तबकों में, दो हिस्सों में बांटा। एक तरफ उन लोगों को कि जो उनके वफादार थे उन्हें जायदादें दी, उन्हें अपने वफादारों को मुराआत दी, अपने वफादारों को हुकूमत के निज़ाम के और वजारतें दी, और दूसरी तरफ जो उनके वफादार नहीं थे उन्हें दबा के रखा, दबा के रखा। यही दो तबका आज भी दुनिया के अंदर चल रहा है कि जो वफादारी वाले लोग हैं उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें पेशकश और उन्हें नवाजा जाता है और जो उससे हट के होते हैं उन्हें दबाया जाता है। तो फिरौन ने भी ऐसा किया और उसने ऐलान किया कि अच्छा ये इस ख्वाब की तामीर है तो जो बच्चा पैदा होगा उसे फौरन कत्ल किया जाएगा। और बच्चे पैदा होते गए तो जब पता चलता इसराइलियों के यहाँ बच्चा पैदा हुआ इसके कारिंदे पहुँच जाते और कत्ल कर देते थे। और कभी महीने में चक्कर लगाते, कभी हफ्तावार चक्कर लगाते, कभी दो महीने बाद उन इलाकों में चक्कर लगाते जहाँ इसराइली रहते थे, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी।
और जहाँ जहाँ पता चलता है इस घर में बच्चा पैदा हुआ भाई फौरन ले आओ, माँ बाप खड़े और फौरन कत्ल करते थे माँ बाप की आंखों के सामने। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखें, अल्लाह भी तो अल्लाह है, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और फरमाया कि ये भी मकर करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं भी मकर करता हूँ। लड़कों को फौरन ज़िबा करता था, बच्चियाँ होती थी तो उन्हें छोड़ देता था कि बच्चियाँ हो गई इन्हें छोड़ देता था, लेकिन जब लड़के होते थे तो उन्हें फौरन ज़िबा किया जाता था कि मेरे सामने कोई भी ना आए। रिवायात में आता है कि 90,000 बच्चों का उसने कत्ल किया, 90,000 बच्चों का। وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ अल्लाह ने फरमाया जब हमने एक चीज़ को चाहा और हमने इस बात का इरादा कर लिया कि इस कौम में से एक बच्चे को जिंदा किया जाएगा, एक बच्चा इसी कौम में पैदा किया जाएगा और उसकी पैदाइश की वजह से इस कौम के लोगों पर एहसान किया जाएगा, ये कमज़ोर लोग उस बच्चे की वजह से परवान चढ़ेंगे और अल्लाह इनकी कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम भी मुख्तलिफ किताबों के अंदर आया है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनकी वालदा का नाम युहाबित था, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं उनकी वालदा का नाम याराह था। जब बच्चे की पैदाइश हुई और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो फिरौन के दरबार में कुछ न कुछ काम भी किया करते थे, तो फिरौन उस शख्स को जानता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और पैदाइश होने के बाद चंद दिन ज़ाहिर है उनके कारिंदे फौरन नहीं आते थे, और जब उन्हें पता चलता कि कारिंदे आ रहे हैं तो फिर माएँ अपने बच्चों को छुपाती थी जहाँ तक हो सकता था, लेकिन मुश्किल होता था क्योंकि आस पास वाले ही बता देते थे कि इस घर में बेटा हुआ, इस घर में बेटा हुआ और इस घर में बेटा हुआ। आज तो खबरें वैसे ही फैल जाती हैं तो, और फिर बच्चे की और बेटे की खबर तो आनन फानन पहुंच जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बड़ी परेशान होती थी। वअहैना इला उम्मी मूसा अल अर्दी, हमने मूसा की वालदा को ये बात इल्हाम की, या वही का लफ्ज़ आया है। उलमा ने लिखा कि ये इस वही से वो वही मुराद नहीं है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम को होती थी। वही की दो किस्में हैं, एक वही वो जो नबूवत और रिसालत की होती हैं और एक वही वो कि जो इल्हामी वही कहलाती है। जैसे अल्लाह ने सूरतुन नहल के अंदर कहा वअऊहा रब्बुका इलन नहल, कि हमने शहद की मक्की की तरफ एक बात उसके दिल में इल्हाम की। अब वहाँ भी वही से मुराद इल्हाम है, वहाँ वही से मुराद वो वही नहीं है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम को होती है। बाज़ उलमा ने कहा कि ख्वाब के ज़रिए जो है वो अल्लाह ने इन्हें बताया कि जब वो लोग आए तो फिर आपने इस तरह एक टोकरा बनाना है और इस बच्चे को उसमें डालना है और पानी के अंदर डालना है। बाज़ उलमा कहते हैं कि फरिश्ते की शक्ल में, फरिश्ता इंसानी शक्ल में अल्लाह ने भेज दिया और उन्होंने आकर इत्तला दी कि आप जो है वो इस तरह का वो बनाएं और मुझे अल्लाह ने भेजा है। और इसकी तस्दीक सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछले ज़माने में एक शख्स अल्लाह के नेक बंदे से मिलने के लिए जा रहा था, रास्ते में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहा उस अल्लाह के नेक बंदे से मिलने जा रहा हूँ, कोई और गर्ज भी है, किस लिए जा रहे हैं, कहा अल्लाह के लिए उससे मिलने जा रहा हूँ, कोई और लालच तो नहीं है, कहा कोई लालच नहीं है, दुनियावी कोई गर्ज तो नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, कहा मुबारक हो मुझे अल्लाह ने भेजा है। और अल्लाह ने कहा कि ये बंदा अल्लाह के लिए उस बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। यानी जो बंदा मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए एक दूसरे से बुग़्ज़ रखें, अल्लाह के लिए एक दूसरे को अता करें, अल्लाह के लिए एक दूसरे को ना दें, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, ये ईमान कामिल है। आज हर आदमी कहता है कि
مفادات کی دنیا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بات چلتی ہے کہ بھائی، اور کبھی کبھی اچانک ایک آدمی کا فون آ جائے، سالوں سال اس کا رابطہ نہیں ہوتا، تو آدمی کہتا ہے اللہ خیر، پہلے وہ حال احوال پوچھتا ہے، پوچھتے پوچھتے وہ آخر میں جو بات کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھو اپنی مطلب کی بات کے لیے اس نے فون کیا۔ تو آج کی دنیا تو مفادات کی دنیا ہے، اور حدیث میں اس محبت کی فضیلتیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک حدیث میں ایک صحابی رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا درجہ جنت میں کتنا بلند ہوگا؟ میں تو معمولی درجے کا صحابی ہوں، میں تو نیچے ہوں گا، آپ اوپر ہوں گے، اور میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس صحابی نے کہا میں نے تیاری تو کچھ بھی نہیں کی، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احب، جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو نیکوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، برے لوگوں سے محبت ہوگی تو بروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ المرء مع من احب، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، مفسرین نے لکھا 3 مہینے تک انہوں نے دودھ پلایا، اور جب خبر آئی کہ آ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے اور ان کی جماعت نکل چکی ہے اور بات پھیل گئی کہ وہ پہنچنے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سرکنڈے کا ایک ٹوکرا بنایا اور اس میں کوئی سوراخ نہ چھوڑا اور اس میں بچے کو ڈال دیا۔ 3 مہینے جس بچے کو دودھ پلایا ہو ماں نے، جسے اپنے قریب رکھا ہو، یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی اس ماں کے لیے، اور اسے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اور اللہ نے تسلی دی تھی وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ مت گھبرانا، آپ غم بھی مت کھانا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس بچے کو رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ سمندر کے کنارے سیر کر رہا تھا، بعض علماء نے لکھا اپنی بیٹی کے ساتھ سیر کر رہا تھا، بعض نے لکھا اپنی اہلیہ کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَغَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون اور حامان دونوں نے اس وقت بھی غلطی کر لی۔ غلطی کیا کی؟ کہ یہ ٹوکرا آیا، اور جب آیا تو اس کو اٹھایا ان کے کارندوں نے جب اٹھایا تو ان کی اہلیہ نے کہا دیکھو اس کے اندر کیا ہے، تو جب اسے دیکھا، انبیاء ویسی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھایا تو انہوں نے کہا دیکھو خوشخبری ہو، کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور جب اس ٹوکرے کو کھولا تو ان کی اہلیہ نے کہا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی اہلیہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ میری آنکھوں کی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوا، اسے آپ قتل مت کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، امید ہے اس بچے کے ذریعے ہمیں نفع ملے گا، ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا دیں گے، وهم لا يشعرون، اللہ نے فرمایا انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ کون تھا، انہیں کوئی نہیں پتا کہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ کی قدرت چل رہی ہے، انہیں نہیں پتا یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اور فرعون کی بیوی ہر عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، ان کی چاہت تھی کہ اللہ ہمیں اولاد دے، تو اولاد نہیں تھی،
और फिरौन इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं था, उनकी बीवी फ़िक्रमंद थी। याद रखिए, उनकी बीवी बाद में ईमान वाली बनी और उनका भी ज़िक्र आएगा उन पर कैसे कैसे मजालिम हुए, लेकिन उनकी बीवी मजाल है कि वो एक कदम आगे पीछे हुई हो, कि वो औरत के जिसके इशारे पर नौकर चाकर खादिम खड़े हुआ करते थे, उस औरत ने उन तमाम आसाइशों को छोड़ा और अपने रब के नाम पर कुर्बान कर दिया। और ऐसा जुल्म उस औरत पर किया गया, ऐसा जुल्म किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रिवायत में आता है कि आपने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब तुम जाओ जन्नत में तो मेरी दो औरतों को सलाम कहना। अल्लाह ने उन्हें हुजूर की हुजूर का अहलिया उनको बनाया जन्नतों के अंदर। उसमें से एक ये फिरौन की बीवी आसिया थी, कि इतनी आजमाइशों से ये गुजरी थी, तो उस वक़्त तो आजमाइशें नहीं थी, लेकिन फिरौन ने अपनी इस बीवी की बात मानी। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा ये भी मूसा अलैहिस्सलाम के उस कबीले से थी, लेकिन अक्सर की राय यह है कि नहीं, ये फिरौन ही के कबीले क़िब्ती से थी। और आगे वअस्बहा फुआद उम्मे मूसा फारिगा, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेकरार है, परेशान है कि क्या होगा इस बच्चे का, ये बच्चा डूब जाएगा, क्या होगा। अब फिरौन ने जब इस बच्चे को लिया और उनकी अहलिया ने जब ये बात की तो फिरौन मान गया। अब इस बच्चे की परवरिश की जाए, इसे दूध पिलाया जाए, तो बहुत सारी दाइयों को लाया गया, लेकिन ये बच्चा किसी भी दाई का दूध पीने को तैयार नहीं था। और अल्लाह का वादा था मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से कि इस बच्चे को आप ही के गोद में लौटाऊँगा, आप ही के गोद में लौटाऊँगा। अब ये बच्चा किसी का दूध ना पिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिसका नाम मरियम था, ये उस टोकरे को देखते देखते ये महल तक आ गई थी। और इसने अपने आप को ऐसा अनजान जाहिर किया कि जैसा कि इस बच्चे को ये नहीं जानती है। जब बहुत सारी दाइयाँ आईं और किसी भी दाई का ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो उस बच्ची ने कहा وقالت لأختي قصي وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون, और उनकी बहन ने कहा, और वो अपने आप को अनजान जाहिर कर रही थी और कह रही थी وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون, कि मैं एक ऐसे औरत को जानती हूँ कि वो औरत उस औरत को लाया जाएगा तो ये बच्चा उस औरत का दूध पिएगा और हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके खैर ख्वाह हैं। बादशाह से कह रही है फिरौन से, हम आपके खैर ख्वाह हैं, आप परेशान ना हो, मैं ऐसे औरत को जानती हूँ। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब उसने ये बात की तो उस वक़्त हामान जो वज़ीर था वो शक में आ गया कि ये लड़की ऐसी बात क्यों कर रही है। उन्होंने कहा मैं उस बच्चे की उस औरत की खैरख्वाही नहीं कर रही, मैं तो बादशाह की खैरख्वाही कर रही हूँ, उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो फिरौन ने कहा फौरन उस औरत को बुलाओ और जल्दी से बुलाओ। और हमने उस बच्चे को उनकी माँ की तरफ लौटा दिया। अब मुफस्सिरीन ने लिखा ये माँ आई मूसा अलैहिस्सलाम की, और जैसे ही दूध पिलाने लगी ये बच्चा फौरन दूध पीने शुरू हो गया। और इसने कहा मैं घर जाती हूँ, मेरे और भी बच्चे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं घर जा रही हूँ। तो फिरौन ने कहा आप घर मत जाएं, हम आपको इस बच्चे के दूध पिलाने की उजरत देंगे और इस बच्चे का पूरा खर्चा हम उठाएँगे, लेकिन आप घर मत जाएं। कहने लगी नहीं, मैं अगर इस बच्चे को दूध पिलाना है तो मैं अपने घर में पिलाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। कहने लगी ठीक है आप इसको अपने घर ले जाएं, इसको अपने घर ले जाएं, और इसके रोज़ाना के अखराजात भी हम भरेंगे, रोज़ाना के अखराजात इसके हम भरेंगे। और हाँ, कभी कभी फिरौन की बीवी ने कहा कभी कभी ज़ियारत के लिए, दीदार के लिए हमारे सामने ले आया करना जब तक ये बच्चा दूध पी रहा है,
तो कभी कभी हमारे सामने ले आना। तो अल्लाह ने यही बात की, فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया और उस बच्चे को उसके असली माँ की तरफ लौटा दिया, उसकी आंखें भी ठंडी हो गई, ये बच्चा कत्ल से भी बच गया और फिरौन की तरफ से उजरत और आसाइशें में अलग अलग से मिलना शुरू हो गई। सगी माँ अपने बच्चे को भी दूध पिला रही है और वहाँ से जो है वो उजरत भी ले रही है और वहाँ से उस बच्चे के लिए जो है वो आसाइशें भी ले रही है। अल्लाह का निज़ाम देखें, अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह जब किसी बात पर आता है तो अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह खालिकु कुल शै व हुवा अला कुल शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वमकरू वमकरल्लाह, ये इन लोगों ने मकर किया, अल्लाह ने कहा हमने भी तदबीर की, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आज भी आप देखें दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ सारी दुनिया में तदबीरें होती हैं और सारी दुनिया में साजिशें होती हैं और वक्तन फवक्तन कभी वो साजिशें और वो तदबीरें बढ़ जाती हैं फिर दब जाती हैं, ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो तदबीर करते हैं और अल्लाह जब अपनी तदबीर करता है तो फौरन अल्लाह की तदबीर कामयाब हो जाती है। तो अल्लाह ने इस वाक़े को जो बयान किया, इससे आगे इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में बयान होगा, इस वाक़े के अंदर ये सबक है कि हम हर चीज़ का खालिक और मालिक वो अल्लाह को समझें, दुनिया की चीज़ों को ना समझें। अगर आज कोई बंदा परेशान है और उसकी कोई आजमाइश है, कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ़ है, तो वो ये समझे कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है और इसे अल्लाह ही ख़त्म करेगा, दुनिया के असबाब के अंदर नहीं है। आज थोड़ी सी परेशानी घर के अंदर आई या घर के अंदर एक पर्ची से निकल जाती है, घरों का ये हाल हो चुका है, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, घर में पर्ची निकल आती है, ओहो वो पर्ची हमारे पास लाते हैं, देखो किसी ने कुछ किया होगा और इसकी वजह से हमारा कारोबार नहीं चल रहा, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, हम एक पर्ची से डर जाते हैं, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है। जबकि हम ये नहीं देखते कि अल्लाह जब चाहेगा जब होगा, या तसर्रफ माएशा, वो जब चाहेगा जब होगा, वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। वही हम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह किसी को नुकसान देने पर आए कोई उसे नहीं रोक सकता। वही उरित का बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली, वो भलाई देने पर आए तो कोई टाल नहीं सकता। अगर ऐसा होता और इतना आसान होता तो आधी दुनिया तो ना होती, आधी दुनिया तो आधे लोगों को इस तरह खा चुके होते। तो हमारा ये यकीन और एतिकाद होना चाहिए कि जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। जादू भी जब असर करता है, जब उसमें अल्लाह का हुक्म शामिल होता है, वैसे वो असर नहीं करता। तो हमारा ये यकीन और एतिकाद होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।